हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास संस्कृत में छठा पाठ चल रहा है अपना। छठा पाठ का पाठ परिचय हो गया था, अब इसको पढ़ लेते हैं। महाराणा प्रताप वाला है ये, 10वीं के लिए। देखो ध्यान से पढ़ना। उत्सर्ग परंपरा उद्रव भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को न जानाति। उत्सर्ग परंपराया त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान उद्र भूमि, उत्पत्ति का स्थान, और महाराणा जो प्रताप थी, प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता। इदम राज्य सुराणा, इस राज्य ने वीरों की शौर्य वीरता, यूनाम आत्महुत्या युवकों के बलिदान से, सती सांचा जोहर सतियों पतिवर्ता के जोहर, परंपरा विस्मिन जगति महति प्रसिद्धम अलभत है। जोहर परंपरा से संपूर्ण संसार का, परंपरा से विस्मिन जगति संपूर्ण संसार में महान प्रसिद्धि प्राप्त किया है। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वन से बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति विराग नाम सुदृढ़ परंपरा विद थे। मेवाड़ राज्य से यानी षष्ठी भक्ति एक वचन हो रहा है। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश के बप्पा राउल, राणा हम्बी, राणा सांगा आदि वीरों की अत्यंत लंबी सुदृढ़ यानी कि अत्यंत लंबी परंपरा है। अस्यमेव परंपराया महाराणा प्रताप सिंहस्य जन्म विक्रमस्य 1597 तमे ईस्वी और 1540 ईस्वी ज्येष्ठ है। शुक्ल तृतीयाब्द अलभते, उसी में से देखो, इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 में 1597 में वर्ष में सन 1540 में ज्येष्ठ माह की, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। प्रताप है बाल्य का देव वीर योद्धा, प्रताप था बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी, कुशल सेनापति और धीर नायक से आशीष से का अर्थ होता है और धीर नायक था। पितु उदयसिंह अनंतरम प्रताप है महाराणा पदवी प्राप्त से सब वैसे 32वें वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान। उदयसिंह पिता उदयसिंह के बाद प्रताप ने महाराणा की पदवी प्राप्त करके अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। राज्यभिषेक गोगुंदा ग्राम है बहुत है, उनका राज्यभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। तस्मिन काले सप्तमी भक्ति एक वचन हो रहा है। उस समय उत्तर भारतीय मुगल वंशिया नाम शासका नाम शासनम आसीत, यानी उस समय उत्तर भारत में मुगलों का जो था वंशों का शासन, मुगल वंश के शासकों का शासन था। राज्यान तत्र सेवाभाम सब कर्तव्य मन ने माना देख रक्षा कर्तव्य स्वर्थाभिमुख आसन, जो राजा लोग थे तो उन सेवा में रहते हुए अपने कर्तव्य को, उनकी सेवा में रहते हुए अपने कर्तव्य को मान रहे थे और देश रक्षा के कर्तव्य से वो सर्वथा सभी प्रकार से विमुख हो गए थे। मुगल शासक से सहाया विधाय आत्म गौरव मन्यता, इसमें मुगल जो शासक था उनकी सहायता वो करके अपने आप को आत्म गौरव मानते थे।
शत्रु भी सह दीर्घकालीनाम युद्धेन कारेण मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीन न आसीत। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति भी समीचीन, यानी कि ठीक प्रकार से, अच्छी प्रकार की नहीं थी। यज्ञ प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रताप भी राजा आसीत। यज्ञ महाराण जो, जबकि ये प्रताप के पिता थे वो महाराणा उदय सिंह प्रताप भी राजा थे, किंतु परिस्थिति वशात, परिस्थिति के वश में चित्तौड़ा दा स्थानान्ति आक्रांति वीर गिरता तानी। परिस्थिति के वश भी चित्तौड़ा ने, चित्तौड़ की हालत आक्रमणकारियों के द्वारा अधिगृत कर ली गई, आक्रमणकारियों द्वारा अधिगृत कर ली गई, आक्रमणकारियों द्वारा अधिगृत कर ली गई। अतः सिंहासन आदि रूढ़ है प्रताप है अश्चैताने प्रमुख दुगान प्राप्त है चिंता मारे बे। अतः इसलिए सिंहासन पर विराजमान प्रताप ने अपने नियंत्रण से अलग हुए, हस्तचैतन अपने नियंत्रण से अलग हुए प्रमुख किलों को प्राप्त करने के लिए चिंतन यानी कि सोच विचार प्रारंभ कर दिया, चिंतन प्रारंभ कर दिया। प्रथमे से सौ स्वामी भक्ता सामंताम स्थानीय बिल जननाम च सभा आकराती। और सबसे पहले जो स्वामी भक्त सामंत थे, स्थानीय भीलों की सभा बुलाई गई। तत्रे से प्रतिज्ञा करवातवान, उन्होंने उनसे प्रतिज्ञा करवाई। ओके स्टूडेंट, आगे का हम कल पढ़ेंगे।